पहला सेमीफाइनल मैच 157 इत्तेहाद क्लब और 400 कनवा झंडा वाली टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। बड़ा ही ज़बरदस्त मैच, दोनों ही टीमें बड़ी तगड़ी टीमें हैं। 157 इत्तेहाद क्लब तहसील गोजरा ज़िला टोबाटिक सिंह और 400 कनवा झंडा वाली तहसील तांदलिया वाला ज़िला फैसलाबाद से ताल्लक, दोनों टीमों बड़े अच्छे खिलाड़ी खेल रहे हैं। बाद इस वक्त झंडा वाले खिलाड़ी की बड़ा अच्छा अटैक लेकिन गोल ना कर सके और बाल गोल लाइन से बाहर। गोलकीपर इत्तेहाद क्लब के शूट लगाएंगे, बड़ी ज़बरदस्त शूट उनकी जानब से, बाल 157 इत्तेहाद क्लब के खिलाड़ी के पास, लेकिन गोलकीपर का अच्छा सेव, गोलकीपर की शूट, बाल सेंटर लाइन के आगे, बॉल किक मिली है 157 इत्तेहाद क्लब को। और खिलाड़ी हाफिज़ उमर हैं, हाफिज़ उमर के पास 157 के बड़े स्टार खिलाड़ी हाफिज़ उमर बहुत अच्छा खेलते हैं, शायकीन से खचा खच भरा हुआ ग्राउंड के चारों तरफ बहुत ज़्यादा तमाशाई मौजूद इस सेमीफाइनल मैच को देखने के लिए। इससे पहले 249 गाह पे फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, जो भी टीम जीतेगी उसका फाइनल मैच 249 के साथ होगा। थ्रो मिली है 157 इत्तेहाद क्लब को, 5 नंबर ने थ्रो की, अजीम से आगे बढ़ गया है और की तरफ पहुँच। तस्वीर आए हो कोई नहीं, कर देने ख्याल मैं दे कुछ कहने कोई नहीं। Thank you.
मास्टर एहसानुल हक एंड डॉक्टर काशिफ एहसान मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट 507 घर के मामू गंजन तहसील तांदरियावाला जिला फैसलाबाद जिसका अज आखिरी दिन ते पहला सेमीफाइनल मैच चक नंबर 199 घर के और 249 के दरमियान खेलिया गया। साढ़े पहले फर्स्ट सेमीफाइनल कंपटीशन के चीफ गेस्ट जनाब चौधरी मोहम्मद अफजाल इकबाल साहिब रईस ऑफ रुझाना जो कि अपनी मसरूफी की वजह तो खुद तशरीफ नहीं लिया सके, असी उन्होंने शुक्रगुजार हाँ जी। उन्होंने टूर्नामेंट कमेटी के नाल 20,000 रुपए का तावन किया जी, जनाब उन्होंने बेहद शुक्रगुजार। जनाब चौधरी मोहम्मद अफजाल इकबाल साहिब रईस ऑफ रुझाना जोड़े साढ़े पहले सेमीफाइनल मैच के चीफ गेस्ट मेहमान खसूसी सन, वो अपनी मसरूफी की वजह तो तशरीफ नहीं लिया सके, लेकिन उन्होंने अपनी मोहब्बत का प्यार का इजहार कमेटी के नाल 20,000 रुपए के मद के नाल किया जी, असीं उन्होंने शुक्रगुजार हाँ जी, बड़ी मेहरबानी। और साढ़े दूसरे सेमीफाइनल के चीफ गेस्ट जनाब चौधरी अमेर नसीम साहेब फ्राम सऊदी अरेबिया, जनाब मियां इरफान साहेब रईस 507 घर के साढ़े स्टेज की जीनत ने जी, साढ़े मौजूद मेहमान असी वेलकम कहने जी, तशरीफ आवरी का शुक्रिया अदा करते हैं जी, बड़ी मेहरबानी। अगर आपको कोई भी मेरे चैनल में ख़राबी नज़र आए, कोई मसला हो तो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताएं ताकि उस कमी कोताही को दूर किया जा सके। बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाबला 459 झंडा वाली और 157 इतिहाद क्लब गोजरा की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। इस टूर्नामेंट का आज फाइनल और आखिरी दिन, इस मैच के बाद फाइनल मैच खेला जाएगा 249 घाटे अल महल क्लब और मध्य मुकाबल टीम होगी, जो टीम ये मैच जीतेगी 499 के खिलाड़ी की चोट, लेकिन बाल साइड लाइन से बाहर रन मिली है 157। आप तो करने के लिए बाल वली के पास, लेकिन प्रो वली 157 तो बड़े यंग स्टार खिलाड़ी हैं, बड़ा टैलेंट है इनमें, उस्ताद मेजर शबीर के बेटे हैं, बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं जो हम स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं आपको। आपकी गोल कीपर ओपन खिलाड़ी हैं जिनका ताल्लुक 447 टोबा टेक सिंह से है, माधो के नाम से जाने जाते हैं, बड़े अच्छे गोल कीपर हैं। मैच का पहला हाफ जारी और मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। शायकी की एक बड़ी तादाद इस मैच को देखने के लिए ग्राउंड में मौजूद, बहुत बड़ी तादाद हर उम्र के लोग बैठे हुए हैं मैच देखने के लिए, बच्चे बड़े बूढ़े नौजवान, और ये फॉल मिला है 499 झंडा वाली टीम को। टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच, दूसरा सेमीफाइनल मैच 57 इतिहाद क्लब और झंडा वाली की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है, और मैच का पहला हाफ 11 बड़ी ज़बरदस्त कीपर का सेव, बड़ी अच्छी ट्राई थी, लेकिन कीपर ने बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज से सेव किया, बड़े अच्छे गोल कीपर हैं 447 के मातो।
काफ़ी गर्मी है दोनों टीमों के लिए, काफ़ी मुश्किल खेलना। 35-35 मिनट का हाफ है। टूर्नामेंट कमेटी की जानिब से 157 इत्तेहाद क्लब चंद दिन पहले 298 डब्बा वाला टोबाटिक सिंह से टूर्नामेंट जीत के आई है, फर्स्ट प्राइज़ हासिल किया है, चैम्पियन ठहरी उस टूर्नामेंट की और बड़ी बड़ी टीमों को इसने शिकस्त दी और बिलाखिर चैम्पियन ठहरी और फर्स्ट प्राइज़ 1,00,000 रुपया बमा ट्रॉफी की हकदार ठहरी। उसमें बहुत अच्छा खेल पेश किया हाफज़ मोहम्मद उमैर ने और उनके साथ मोहम्मद अजीम, मोहम्मद वलीद और सभी खिलाड़ियों ने बड़ा अच्छा खेल पेश किया। देहाती टूर्नामेंट था वो, उसमें 157 इत्तेहाद क्लब ने फर्स्ट प्राइज़ हासिल किया। आज भी अपने फर्स्ट प्राइज़ की तरफ गामजन, बड़ी अच्छी शूट लेकिन कीपर का अच्छा से 474 की जानब से खेलते हैं काका। बड़े अच्छे गोलकीपर हैं अपने इलाके के, 474 समुद्री से ताल्लुक है इनका। बड़ा ही ज़बरदस्त मैच शायकीन के लिए, बड़ा अच्छा मैच देखने को मिल रहा है। हम इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही फुटबॉल के मैच आपकी खाते रहेंगे हमारे चैनल से। अगले फुटबॉल के मैच आपको देखते रहेंगे। हाफ स्टूडियो 157 राजा स्टूडियो 320, बहुत अच्छा काम है उनका माशाल्लाह, हम उनकी तारीफ़ करते हैं, उनकी इज़्ज़त कदर करते हैं। बहुत ही अच्छे टूर्नामेंट वो दिखाते हैं लोगों को, बाहर लोग बैठ के आउट ऑफ कंट्री उनके चैनल के ज़रिए मैच देखते हैं। इंशाल्लाह हमने भी ये शुरू किया है, बड़ा अच्छा मौका गोल करने का, लेकिन कीपर का अच्छा सेव और दोबारा अटैक हो सकता है 157 इत्तेहाद क्लब पर। 499 की बड़ी टीम, एक बड़ी मंची हुई टीम है, लेकिन बाल गोल लाइन से बाहर और कीपर ही आउट किक लगाएंगे। तो बड़ी शूट है इनके पाँव में, बड़े अच्छे गोलकीपर हैं और ये अच्छी हेड हाफज उमैर की जानब से और बाल हमजा के पास, सीना 459 के पास हल्की शूट स्टॉपर अच्छा से दोबारा अटैक कर सकता है, लेकिन रन मिली है शायकीन की एक बड़ी तादाद, शायकीन की बड़ी तादाद इस मैच को देखने के लिए ग्राउंड में मौजूद। अब्दुल्ला ग्राउंड में मौजूद शायकीन इस मैच को देखने के लिए मौजूद हैं। बड़ा ही अच्छा कांटेदार मुकाबला और बाल को लेकर बड़े बोलने से बाहर। हमारा चैनल हाफो स्टूडियो 157 स्टूडियो 157 इंशाल्लाह आपको अपने इलाके के तमाम मैचेस लाइव दिखाया करेगा। जो भी हमने अपना चैनल स्टार्ट किया है, आप सब दोस्तों के तावन की ज़रूरत, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपका शुक्रिया। आपके तावन से इंशाल्लाह हम आपको जितनी भी फुटबॉल की एक्टिविटी हैं अपने ज़िला टोबाटेक के इलाके में, जो भी टूर्नामेंट आएगा हम इंशाल्लाह आपको उसमें फुटबॉल के मैच दिखाएंगे। इसके अलावा कुछ फनी क्लिप्स भी दिखाया करेंगे आपके एंटरटेनमेंट के लिए। इंशाल्लाह हमारे चैनल से कोई बेहुदा बात आप लोगों के गोशे गुजार नहीं होगी और इंशाल्लाह हम अपने चैनल को साफ और
हर तरह से बेहतर बनाएंगे। हमारे चैनल हाफो स्टूडियो 157 इंशाल्लाह आपको हर किस्म के